यार मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, आज मैं एक्चुअली किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला था और उस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए मैं सोशल मीडिया पर गया और सोशल मीडिया पर मैंने एक ऐसी चीज देखी कि भगवान कसम मेरे आंखों से खून निकल आया और इंसानियत में मेरा विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। तो मैंने इमीडिएटली सोचा कि इसको देखकर अगर मैं इतना तड़पा, मैं इतना भुगता, तो मेरी ऑडियंस इससे क्यों बची रहनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर जाकर मैंने क्या देखा वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Deplorable and should not be allowed anywhere. No, God! No, God, please, no! No! हेलो हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सकिल प्रणाम। सबसे पहले देखिए शो का जो बैकग्राउंड है धीरे धीरे तैयार हो रहा है। मुझे ये ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड से कहीं ज्यादा पसंद है, तो मुझे आशा है कि आपको भी ये पसंद हो। ये पीछे बैकग्राउंड का मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ इसके बारे में पेट्रियन पे मैं एक छोटा सा वीडियो डालने वाला हूँ इस हफ्ते, तो नीचे लिंक पे क्लिक करके पेट्रियन जरूर बने। धीरे धीरे ये जो पीछे की दीवार है इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी उसके अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो सोशल मीडिया पर मैंने जो देखा उसको एक्सप्लेन करने के पहले उसका थोड़ा एक बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना जरूरी है। देखिए हुआ ये कि नेटफ्लिक्स ने देखा कि उसने 2021 में बहुत बुरी परफॉर्मेंस की है, उसके सब्सक्राइबर्स गायब हो रहे हैं, उसकी स्टॉक प्राइस गिर रही है, प्रॉफिट गिर रहा है, और वो लोग बेचारे समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब हो कैसे रहा है, तो साल भर रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए और अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए आर्चीज फिल्म रिलीज की है। कसम से यार साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री सोच रही होगी मेरे पास आरआरआर है, मेरे पास पुष्पा है, मेरे पास बाहुबली है। अमेज़न और हॉटस्टार भी सोच रहे होंगे मेरे पास फैमिली मैन है, मेरे पास स्पेशल ऑप्स है, मेरे पास मिर्जापुर है, और नेटफ्लिक्स बोलता है मेरे पास आर्चीज है। तो आर्चीज बेसिकली एक लाइव एक्शन म्यूजिकल है जो 60s के दशक के इंडिया में बसा हुआ है। ये जो फिल्म है ये एक बहुत फेमस अमेरिकन कॉमिक बुक स्ट्रिप जिसका नाम भी आर्चीज है उस पर बेस्ड है, जिस कॉमिक बुक को हिंदुस्तान में गिनकर अराउंड 50 लोगों ने पढ़ा है। तो नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया कि अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए और अपनी कंपनी को बचाने के लिए एक ऐसी फिल्म को रिलीज करते हैं जो सिर्फ अमीर इंडियंस को अपील करेगी और जिस कॉमिक बुक को सिर्फ 50 इंडियंस ने पढ़ा है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। कास्ट को भी देखिए भाई, शाहरुख खान की सुपुत्री सुहाना खान, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा, बोनी कपूर की सुपुत्री खुशी कपूर। कसम से यार जिस समय पर बाहर वाले देश स्पोर्ट्स के ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं उस समय पर भारत के लोग नेपोटिज्म के ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता है, ये हर एक इंडस्ट्री में है। ये साउथ की जो हिट फिल्में अभी चल रही है उसमें भी बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हमारी पॉलिटिक्स में ही नेपोटिज्म का ओलंपिक्स देख लीजिए, हमारे मिलॉर्ड्स को ही देख लीजिए, कितने सारे सुप्रीम कोर्ट के हमारे जस्टिसेस हैं जो पुराने जस्टिसेस के सुपुत्र या सुपुत्री है। हमारे जो नए सीजेआई बनने वाले हैं चंद्रचूर जी, वो भी तो एक पुराने सीजेआई के सुपुत्र हैं। मीडिया को ही देख लीजिए, मीडिया में भी देखिए कितने सारे लोग हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट के बच्चे हैं जो आज मीडिया में काम कर रहे हैं। यार भारत में उतना पानी नहीं मिलेगा जितना भारत में नेपोटिज्म मिलता है। लेकिन वापस फिल्म पर आते हैं, आपने ये शब्द ब्लैक फेस का नाम तो सुना ही होगा ना। ये एक बेसिकली एक तरह का कल्चरल अप्रोप्रिएशन होता है कि जो गोरे लोग हैं वो ब्लैक लोगों का कल्चर बेसिकली चुरा लेते हैं और उनको क्रेडिट भी नहीं देते। मेरे को कसम से लगता है कि जो ये आर्चीज फिल्म कर रही है ना ये एक तरह का व्हाइट फेस है, ये अमेरिका के व्हाइट लोगों का कल्चरल अप्रोप्रिएशन कर रही है। और कमाल की बात तो ये है कि इस फिल्म का अगर आप कास्ट देखिएगा तो इस कास्ट में एक एक्ट्रेस का नाम एक्चुअली डॉट है। डॉट ऑनेस्टली मुझे लगा कि ये फिल्म भारत के लोगों का मजाक उड़ा रही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो एक्ट्रेस है इनका एक्चुअल नेम डॉट है। ये एक म्यूजिशियन है और उन्होंने अपना स्टेज नेम डॉट रखा हुआ है। और देखिए सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फिल्म बनाई क्यों है और बनाई किसके लिए है। लोग कह रहे हैं कि इसको आर्चीज नहीं आर्काइव्स बोल देना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको इतनी मार पड़ रही है कि इस फिल्म को रिलीज करने के बजाय आर्काइव कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने पॉइंट कराया है कि ये फिल्म इतनी आउट ऑफ टच
सच है कि इस फिल्म को ये भी नहीं समझ में आता है कि भारत में इतनी गर्मी पड़ती है कि भारत के लोग सूरज को बाहर देख के खुश नहीं होते। किसी ने बोला कि इसका नाम मल्टीवर्स ऑफ नेपोटिज्म रख देना चाहिए। किसी ने सही पूछा कि इसको आर्चीज क्यों कहते हैं भाई, क्या इसमें हर एक कैरेक्टर का नाम आर्ची है या फिर ये सारे के सारे लोग एक आर्ची खानदान से आते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा कि ये इंडियन कॉन्टेंट बनाया है लेकिन इंडियंस के लिए नहीं बनाया है। कमाल का काम कर दिया है। फिर एक ट्वीट कहता है कि ब्रिजर्टन के सीजन 2 में इस फिल्म से ज्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेशन थी। फिर किसी ने कहा कि भाई साला एकदम व्हाइटेस्ट लुकिंग इंडियन लोगों को इस फिल्म में डाला है और इस फिल्म का ट्रेलर तो ऐसा है कि भैया लेफ्ट विंग वोक लोग भी नाराज हो गए हैं। आप देखिए ये ट्वीट पर ट्वीट पर ट्वीट कि वोक लोग भी इस फिल्म की कास्टिंग से और ये क्या फिल्म बनाई है इस पर नाराज हो रहे हैं। मतलब आपने कसम से इतना क्रिंज ट्रेलर बना दिया है कि लेफ्ट विंग राइट विंग सेंटर सबके सब बौखला गए हैं। लेकिन इस फिल्म को देखिए दाद देनी पड़ेगी। हम लोग इतने सालों से सोच रहे हैं कि पिछले 10 साल से देश जो है बटा जा रहा है, सबको एकजुट कैसे करें, सबको पास कैसे लाएं, और कसम से इस फिल्म ने कर दिखाया। इस फिल्म ने हम सबको इस फिल्म को ट्रोल करने में यूनाइट कर दिया है। अगर ये फिल्म आगे जाके कुछ भी नहीं अचीव करती है तो कम से कम भारत में एकता तो अचीव कर ली। और ये ट्वीट मेरा फेवरेट था। कुछ लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड ने सही सोचा है कि इन सब स्टार्स के बच्चों को एक एक करके लॉन्च करने से अच्छा है कि थोड़ा पैसा बचाओ, एक बार में सभी को लॉन्च कर दो। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस ट्रेलर पे कुछ मेमेज बनाएं और वो मेमेज जो है मेरे सब रेडिट पर डालें। शाम शर्मा शो का जो सब रेडिट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हम लोग जो हमारे दूसरे चैनल पर मीम रिव्यू करते हैं उस मीम रिव्यू पर मैं बेस्ट जो मीम्स बनेंगे इस मूवी के ऊपर उसको शेयर करूंगा। अगर आप मीम रिव्यू देखना चाहते हैं इस हफ्ते का तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कसम से यार सोचा जाए तो ये जो फिल्म है ना, ये बेसिकली जो बॉलीवुड के साथ और नेटफ्लिक्स के साथ प्रॉब्लम है उसको बड़े अच्छे से दिखाती है। मतलब आप सोचिए जरा, ये फिल्म है किसके लिए, इसका टारगेट डेमोग्राफिक है कौन? इस फिल्म से इंडियंस रिलेट नहीं कर सकते, अमेरिकंस भी इस फिल्म को देखेंगे और सोचेंगे भैंस की आंखें हो क्या रहा है। मतलब आप सोचिए कि अगर कुछ अमेरिकंस मालगुडी डेज वाले कॉस्ट्यूम पहन के मालगुडी डेज को रीएनएक्टमेंट कर रहे हो तो आप भी सोचेंगे कि ये भैंस की आंखें चल क्या रहा है। आई थिंक कि ये जो आर्ची टाइप की फिल्में क्यों बनाई जाती है इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन तिग्मांशु धूलिया ने दिया है। जो एक्चुअली सोसाइटी में हो रहा है, जो पॉलिटिक्स में होता है, वही होता है फिल्मों में। फिल्म अपने आप में कोई हवा में लटकी हुई चीज तो है नहीं कि किसी से बिना इन्फ्लुएंस के कुछ कुछ करना चाह रहा हूँ। तो जो बदलाव आया है सिनेमा में या बदलाव के पहले जिस तरह का सिनेमा था वो उसके खास राजनीतिक उसके कारण है जिसके वजह से वो था। हिंदी सिनेमा बनाना ही बदल दिया, बच्चों बंद कर दिया था। हम NRIs के लिए पिक्चर बना रहे थे, जो गुजराती और पंजाबी और बाकी इंडियंस बाहर रहते हैं उनके लिए फिल्में बना रहे थे हम, और हमने अपने हिंदी ऑडियंस को भूल गए थे। वो भूल गए थे इस वजह से हमारा रीजनल सिनेमा ग्रोथ किया। देखिए किस तरह से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हिंदी सिनेमा हम हिंदुस्तानी को नहीं बना रहे थे तो रीजनल सिनेमा बनने लगा, बंगाल में बनने लगा, पंजाब में इस वक्त 5-5, 6-6 करोड़ की फिल्में बनती पंजाबी में। भोजपुरी सिनेमा कितना बढ़ गया, वो अच्छा नहीं है, बहुत क्रास है, लेकिन हर हफ्ते 2 भोजपुरी पिक्चर रिलीज होती है आज भी। तो यानी अपने आप में एक इंडस्ट्री तो है वो। उसका कारण ही यही था कि हिंदी फिल्में इंडियंस के लिए हम क्रिएटर ही नहीं कर रहे थे। और जो तिग्मांशु धूलिया कह रहे हैं वो हम इकोनॉमिक टर्म्स में भी देख सकते हैं। एक EY फिक्की रिपोर्ट ने दिखाया है कि जो साउथ इंडिया की फिल्म्स हैं उन्होंने 2021 के बॉक्स ऑफिस को इंडिया में पूरी तरह से डोमिनेट करके रखा हुआ है। 2021 में साउथ इंडियन फिल्म्स ने 2,400 करोड़ रुपीस कमाए हैं जबकि बॉलीवुड ने सिर्फ 800 करोड़ रुपीस कमाए हैं। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि जो साउथ इंडियन फिल्में हैं वो 2022 में भी बॉलीवुड फिल्मों को आउट परफॉर्म करती रहेंगी। और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस प्रॉब्लम को बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो बेसिकली साउथ दिल्ली के लिए बनाई जा रही हैं या फिर मुंबई में बांद्रा वर्सोवा के लिए बनाई जा रही हैं। बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आजकल भारत के मास मार्केट के लिए नहीं बनाई जा रही हैं। बॉलीवुड भूल गया है कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि छोटे शहरों का जो मार्केट था वो बॉलीवुड ने कैप्चर करके रखा हुआ था। लेकिन अब इतना बड़ा होने के बाद बॉलीवुड सोचने लग गया है कि यार ये छोटे मार्केट तो यार हमारी तरह इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो बेसिकली जो छोटे शहरों के मार्केट है इनको बॉलीवुड ने अबैंडन करना शुरू कर दिया है। तो भाई साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे के बाहर जो इतना बड़ा इंडिया है वो क्या देखेगा फिर? तो उसके जवाब में तरण आदर्श कहते हैं कि भाई जो साउथ की रीजनल लैंग्वेजेस वाली फिल्में हुआ करती थी वो अब छोटे शहरों के मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं, यानी भारत के मास मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं। साउथ की फिल्में देखिए पूरी तरह से पैसा वसूल फिल्में बनाती हैं। पैसा वसूल समझते हैं ना, कि इस फिल्म में एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है,
कॉमेडी है, म्यूजिक है, डांस है, 100% पैसा वसूल। और आप अगर बैठ के सोचिए तो बॉलीवुड में इस समय पर सिर्फ सलमान भाई ही उस तरह की फिल्में बनाते हैं। और इनफैक्ट बॉलीवुड की पिछले 10 साल की अगर आप हिट फिल्में भी देखिए तो मेजॉरिटी जो है साउथ की फिल्मों के ही रीमेक्स हैं। तो अब इंडियन ऑडियंस भी सोच रही है कि भाई बॉलीवुड में साउथ की फिल्मों के रीमेक देखने की बजाय डायरेक्टली साउथ की फिल्में ही देखते हैं कि भाई हम जाकर बाहुबली देखते हैं, हम जाकर RRR देखते हैं, बॉलीवुड को और चीज बनाने दो। और देखिए एक और बड़ा फैक्टर इसमें मेरे हिसाब से ये है कि जो साउथ की फिल्में हैं, खासकर जो तेलुगु और कनाडा की फिल्में हैं जहां से सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में आ रही हैं, ये फिल्में इतनी बड़ी हिट इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये जो फिल्में हैं ये भारत के कल्चर को, भारत के लोगों को अटैक नहीं करती हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाती हैं, जबकि बॉलीवुड फिल्मों का हाल तो हम जानते ही हैं। तो भारत के कल्चर को बार बार अटैक करके आप भारत के मास मार्केट को कैसे कैप्चर कीजिएगा? यही हालत तो NDTV के साथ भी हो रखी है ना। NDTV 24 घंटे भारत के लोगों को ही गरियाता रहता है और उसके बाद सोचता है कि लोग जाके रिपब्लिक क्यों देख रहे हैं यार। ऐसा भी क्या उस लौंडे में जो मुझ में नहीं है? देखिए आर्चीज जैसी जो फिल्म है ना, एट द एंड ऑफ द डे ये बेसिकली साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे के लोग और NRIs के लिए पॉन्ड है जिनको लगता है कि सारा का सारा भारत ऐसे ही रहता है। ये वो लोग हैं जो भारत में एक फैंसी जगह पर रहते हैं, इनकी फैमिलीज के पास बहुत पैसा है, ये लोग बेसिकली अमेरिका की सिर्फ टीवी और फिल्में देखते हैं और इनको विश्वास ही नहीं होता कि तुमने हाउ आई मेट योर मदर नहीं देखा? अरे तो फिर तुम देखते क्या हो यार? ये वही लोग हैं जिनके ट्विटर बायो में इनके प्रोनाउंस लिखे हुए हैं और इनको लगता है कि यार इंडिया में हर चीज प्रॉब्लमैटिक है, आयुर्वेदा बहुत प्रॉब्लमैटिक है, योगा बहुत प्रॉब्लमैटिक है, जय श्री राम बहुत प्रॉब्लमैटिक है, भारत माता की जय मत बोलो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो होगा क्या कि साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे के 10 लोग आर्चीज को जाकर देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, बाकी भारत अमेज़न प्राइम पर जाकर फैमिली मैन देखेगा, मिर्जापुर देखेगा और उसके बाद फिर नेटफ्लिक्स सोचेगा साला हमारे सब्सक्राइबर क्यों कम हो रहे हैं, लोग हमारा कंटेंट क्यों नहीं देख रहे हैं। तो गुड लक टू बॉलीवुड, गुड लक टू नेटफ्लिक्स एंड गुड लक टू आर्चीज। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अभी तक इस महान फिल्म का ट्रेलर देखा है? अगर आपने नहीं देखा है और आप अगर अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए गंवाना चाहते हैं तो उस ट्रेलर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाकर जरूर देखें। और देखिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं इस फिल्म से नफरत नहीं करता हूँ। लोग इस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाएं, लेकिन जब लोग कहते हैं कि अरे लोग बॉलीवुड को आके क्यों नहीं देख रहे, साउथ की फिल्में क्यों देख रहे हैं, तो यही रीजन है। अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं, श्याम शर्मा शो के स्टूडियो अपडेट्स देखना चाहते हैं, एक अपडेट मैं इस हफ्ते अपने पेट्रियन पर डालूंगा, तो श्याम शर्मा शो के एक पेट्रियन जरूर बने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।